स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एज़ फीडल. सो एज यू ऑल नो, वी आर ऑन सेकंड चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. वेरी गुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दैट व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट. सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज द डूअर. जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? डूअर. इट मीन्स पूरे सेंटेंस में जो व्यक्ति या चीज काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट. वेरी गुड. फिर प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. सेंटेंस का वह पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या करता है या उसने क्या किया है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट. ओके, द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ आवर सेकंड चैप्टर, सब्जेक्ट एंड predicate. Okay, so let's start with me. So what is date today? Today is 14th of May. Okay, and Wednesday. Okay, and we are going to do exercise B. And what is exercise B? Give meaningful subjects for these predicates. Some predicates have given to us and we'll have to add the optimum and appropriate subject for the given predicate. हमें जो दिया हुआ predicate है उसमें क्या add करना है? एक बहुत ही अच्छा सा उसके predicate के according एक subject add करना है. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं. So हमारा first जो predicate है वो है gives us light and energy. Gives us light and energy. तो हमें light और energy कौन देता है? Guess? Very good. Sun. Okay? Sun, we will underline it, gives us heat, sorry, it's light, light and energy. Okay, most of science में भी question आता है ना ये. And second predicate is was caught by police. Was caught by police. अभी पुलिस किसको पकड़ती है? वेरी गुड, पुलिस पकड़ती है चोर को. ओके, सो द थीफ वॉज कॉट बाय पुलिस. ओके, एंड अवर थर्ड आर फॉन्ड ऑफ Eating hay होता है चारा. तो सबसे ज्यादा चारा कौन खाता है? Horses. Horses are fond of eating hay. Okay? And what is fourth? Was found in my cupboard. Okay? Cupboard it means अलमारी. अब आप यहाँ पे देखिए, एक पिक्चर दिखेगी आपको बुक में. ये देखिए, यहाँ पे जो कबर्ड है इसमें एक डॉल है. सो वी विल राइट हियर, अ डॉल वॉज फाउंड इन माय कबर्ड. कि मेरे कबर्ड में क्या मिली मुझे? एक गुड़िया. ओके, एंड फिफ्थ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. This is SS question, GK question. What is the capital of India? Very good. Delhi is the capital of India. Good students. And sixth is sleep during the day. के दिन के दौरान सोते हैं. So here we can write they also and we also. Okay, हम दिन में सोते हैं या फिर वे दिन में सोते हैं. दे स्लीप ड्यूरिंग द डे. एंड व्हाट इज सेवंथ? आर बॉर्न ड्यूरिंग समर्स. आर बॉर्न ड्यूरिंग समर्स के गर्मियों में पहने जाते हैं. गर्मियों में कौन से क्लॉथ हम ज्यादा पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स. वेरी गुड, कॉटन क्लॉथ्स.
Okay, students. So number 8 is often returns late. Often returns late from office. अभी often का मतलब क्या होता है? Often का मतलब होता है absent, मतलब बहुत बार. और returns का मतलब होता है लौटना. Okay? So often returns late from office. So आप यहाँ पर use कर सकते हैं. She often returns late from office. He often returns late from office. Okay? And you also can add any name. You can also add any name. आप कोई भी नाम यहाँ पर add कर सकते हैं. Okay? जैसे हम यहाँ पर use कर सकते हैं श्रेया. श्रेया often returns late from office. श्रेया अक्सर जो है ऑफिस से लेट घर आती है. ओके एंड व्हाट इज 9th? सो द प्रेडिकेट इज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट ड्यूरिंग द रेन. ड्यूरिंग द रेन. ओके प्रोटेक्ट इट मीन्स हमारी सुरक्षा करती है, रक्षा करती है. अस हमारी गेटिंग वेट भीगने से ड्यूरिंग द रेन इट मीन्स बारिश के दौरान हमें भीगने में हमारी रक्षा करता है. और कौन करता है? या तो अम्ब्रेला करता है या फिर रेनकोट करता है. सो वी बोथ कैन यूज देम. ओके मीन्स बोथ वी कैन यूज हियर. ओके सो वी कैन यूज हियर रेनकोट और एन अम्ब्रेला. सो And umbrella protects us from getting wet during the rain. Very good. Or you can also use raincoat protects us from getting wet during the rain. Okay? It's your choice. What is 10th? Has a wealth of marine life under it. It doesn't mean धन here. मतलब यहाँ wealth का मतलब धन नहीं है. It means बहुत ज्यादा. Okay? बहुत ज्यादा. Marine life होता है समुद्री जीवन जहां पर बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है. Okay? और इंडिया में साउथ इंडिया साइड में बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है. Okay? So we can write here, Kerala has a wealth of marine life under it. Kerala has a wealth of marine life under it. It means Kerala में बहुत ज्यादा जो है समुद्री जीवन पाया जाता है. समुद्र जो है आसपास वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में है. ओके एंड व्हाट इज सी? और हमें इसमें क्या करना है? गिव अ प्रेडिकेट फॉर ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. हमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और हमें वहां पर ऑप्टिमम प्रेडिकेट ऐड करना है. ओके तो चलिए इज द प्रेसिडेंट. दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड वी विल एड अ प्रेडिकेट हियर. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is Mr. Narendra Modi. Okay? And what is the full name of Mr. Narendra Modi? Mr. Damodar Das Narendra Modi. Okay? What is the full name of Narendra Modi? Damodar Das Narendra Modi. Okay? And what is our second subject? Kolkata. And what is our second subject? Kolkata. So, Kolkata is a city in West Bengal. Kolkata is a city in West Bengal. कि Kolkata एक शहर है कहां पर? West Bengal में. Okay? What is third? Third is trees. Trees, okay? So trees are called green gold. Trees are called green gold. Trees को क्या कहा जाता है? हरा सोना. Okay? What is fourth? Fourth is the zoo. The zoo.
So you can write here the zoo was full of animals. Or we can write the zoo was full of animal lovers. Animal lovers. Animal lovers it means जिनको जानवर बहुत पसंद होते हैं. Okay? Those are called animal lovers. And what is fifth? So fifth is the parrot. The parrot. So the parrot has red beak. Okay? The parrot has red beak. Beak means क्या होता है? चोंच. Okay? Beak means चोंच. Christmas. Okay? So we can write Christmas is just around the corner. Christmas is just around the corner. It means Christmas aane hi wala hai. Okay? What is seventh? Our examinations. So our examinations will start after lockdown. Okay? What is eighth? Mothers. So mothers are fond of love. Mothers are fond of love. Very good. Ninth, a train. So we can write here, a train takes us to our destination. हमारी मंजिल तक लेकर जाती है एक ट्रेन हमें. ओके, सो व्हाट इज टेंथ? एन अलार्म क्लॉक. सो एन अलार्म क्लॉक टेल्स अस टाइम. अलार्म क्लॉक हमें क्या बताता है? टाइम. वेरी गुड. Okay, so today we have complete our second chapter and that is subject and predicate. Our third chapter is prefix and suffix and fourth chapter is types of sentences. So I have decided that first we will cover the chapter fourth because that is related to sentence and after that our chapter of sentences will complete and we can easily understand that and after chapter four we'll start our chapter three. Okay. So what you'll have to do, you'll have to learn these and you'll have to try to solve these first of all by yourself. पहले आपको खुद से करने की कोशिश करनी है. Okay? Thank you.